करबला के हवाले से, ये एक कतरा खून कैसे अपनी वजूद में आया, ये नॉवल कैसे इसमें चुगताई के थ्रू हम तक पहुंचा, इसकी इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रक था जिसकी वजह से ये हमारे पास पहुंचा? ये कहूंगी कि ये एक तारीखी नावल है, और इसके साथ ही ये इस तरह की के हकायक पर मबनी है। इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ हिस्टोरिकल नावल। तो वी कैन रीड इट एज हिस्ट्री एंड वी कैन ऑल्सो रीड इट एज ए नावल। तो ये इसकी खासियत है, जिनमें टेढ़ी लकीर और मासूमा कहानियों में लिहाफ बहुत मशहूर है, और चौथी का जोड़ा, और बेशुमार बेशुमार कहानियाँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये वो लिख चुकी थी, और शी वॉज 61 और साल था 1972। तो उस वक्त अचानक उन्होंने एक नए अंदाज का नॉवल लिखना शुरू किया, जिसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता था और आता है उनके पहले काम से। बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अलग तरह का, अलग स्टाइल में, अलग जबान के साथ, रजिस्टर बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये कहानी करबला की कहानी थी, यानी उनकी कहानियाँ ज़्यादा औरतों के बारे में और मुख्तलिफ क्लासेस की औरतों के बारे में, डिफरेंट विमेन फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, द लाइव्स ऑफ विमेन, द इंटरनल लाइव्स ऑफ विमेन। तो एंड शी वॉज सेक्युलर, शी नेवर क्लेम्ड टू बी अ रिलीजियस पर्सन, देयर वॉज नथिंग नोन अबाउट हर दैट इन एनी वे said anything about her religious feelings. She believed in everything, and she was also part of the Progressive Writers Movement. She was a Marxist at one time. तो अचानक इस वक्त जबकि वो उम्र के आखिरी हिस्से में थी, और अपना तमाम जो बहुत अहम काम जिसकी वजह से उनको बहुत मशहूरी हासिल हुई वो कर चुकी थी, तो उन्होंने एक कतरा खून पर काम शुरू किया, जो कि करबला की कहानी है। तो वो एक नावल लिखती हैं और पब्लिशर जो है वो कहते हैं कि भाई ये नावल आपने क्या लिखा है, ये तो नहीं छप सकता। तो आप अपना जो पुराना आपका स्टाइल है, रोमांस वगैरह, या वो जो खवातीन के बारे में आप लिखती हैं, या मुआशी सोशल मसाइल जो हैं उनके बारे में लिखती हैं, ब्रिंग अस समथिंग लाइक दैट। तो इस्मत को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उनको बहुत डिसअपॉइंट, शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। और खैर बहर हाल शी फाउंड अ पब्लिशर, फन और फनकार एक पब्लिशर हैं, उन्होंने उनका ये नॉवल छाप दिया।